अच्छा, अब 1999 क्वेश्चन 8। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नील है, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्शन, सेल्स रिटर्न है, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, बैड डेट्स, रिटेन ऑफ। पहले हम बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख लेते हैं रिटर्न ऑफ कितने हुए, 10,000। के बाद बैड डेट्स रिकवर्ड नील हो गए। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, उसकी यहाँ कैलकुलेशन। उसके लिए हमें पहले चाहिए होंगे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, तो वो कैलकुलेट करते हैं। ये क्रेडिट सेल्स ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है नील, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नील है। क्रेडिट सेल्स कितनी है, कैश कलेक्शन, अच्छा ये हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे ही के लिए। वैसे तो एक प्रॉपर्टी अकाउंट बना सकते हैं हम रिसीवेबल का, लेकिन उसमें ये काफी टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 5 लाख की क्रेडिट सेल्स है, इसमें कैश कलेक्शन माइनस, इसके बाद सेल्स रिटर्न माइनस होंगी, फिर कॉन्ट्रा सेटलमेंट भी माइनस, ये क्रेडिट होता है ना, इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये भी माइनस होंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये भी माइनस 10,000। और उसके बाद ये आपके पास रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,20,000। क्लियर जी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, अब रिसीवेबल कितने हैं हमारे, 1,20,000, और डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 5% है, 1,20,000 का 5% आएगा 6,000। इसमें से हम पे माइनस क्या करते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ कितना दिया हुआ है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस मिला है, ये नहीं मेंशन ही नहीं है, जो पहला साल है ईयर वन में ओपनिंग बैलेंस नेल होते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस नेल है। ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस, ठीक है, इंक्रीज इन अलाउंस कितना आएगा, 6,000। हाँ, ओपनिंग बैलेंस होगा तो माइनस करेंगे, फिलहाल पहला साल है जिसमें ओपनिंग बैलेंस नेल होता है ना, अब इंक्रीज इन अलाउंस हो गया, अब ये यहाँ पे एड हो जाएगा 6,000, बाकी डिक्रीज आपका नहीं रहता, डिक्रीज है इंक्रीज में से एक आएगा। टोटल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, 16,000। बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितने होंगे, 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बैड डेट चार्ज करेंगे 16,000। अब बैलेंस शीट बनाएंगे ईयर एंड पर, तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो हमने अभी कैलकुलेट कितना किया, 1,20,000, और इसमें से हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स जो कि इक्वल होते हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस के। वो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने, 6,000, डिफरेंस आ जाएगा 1,00,000। तो आपके नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 1,14,000। तो यही दो रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना होते हैं और नॉर्मली जी। ओके, ये हो गया हमारा 99 ईयर वन। अब आते हैं 2000 पे, जिसमें बैलेंस एट बिगिनिंग पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस थे वो करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस होंगे, ठीक। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें, यही फॉर्मेट यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है, को एक बार और यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं, बात काम आएगा हमारे ये। बाद में करते रहेंगे, यहाँ पे आ जाए 19 ईयर 2000 आ गया, ठीक। क्वेश्चन 8,
बैड डेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट ऑफ कितने हुए, बैड डेट्स रिटन ऑफ है 15,000, इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड हुए 3,000, माइनस करेंगे। अब हमें वही इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए पहले रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे हम। ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ कॉपी कर लेते हैं साथ। अब देखिए लास्ट ईयर का जो रिसीवेबल का क्लोजिंग था वो करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, तो लास्ट ईयर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 120। नीचे कंटिन्यू करेंगे, करंट ईयर में सेल्स हो रही है 6 लाख, ऐड कर लेंगे। इसके बाद कैश कलेक्शन है 4 लाख, माइनस करेंगे 4 लाख माइनस हो गए। इसके बाद सेल्स रिटर्न माइनस होंगी, कॉन्ट्रा सेटलमेंट माइनस 10,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ माइनस होंगे माइनस 15,000, और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री रिसीवेबल में नहीं आती। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। तो अब ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,65,000, क्लियर, 2,65,000 रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। डाउटफुल डेट्स कितने हुई, 5%, 2,65,000 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है इनटू 5%, 13,210। इसमें से अब हम माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का अलाउंस कितना था, 6,000, माइनस करते हैं, डिफरेंस आ जाएगा 7,250, और ये होगा इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इंक्रीज कुछ नहीं है, तो तीनों का सम कर लेते हैं, 19,250 आ गया आपके पास बैड डेट्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक, अब हमें चाहिए रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस तो हमने फाइंड कर लिया 2,65,000, इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स जो कि इक्वल होंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस के, 13,250 माइनस करते तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 2,51,750। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट, क्लियर, अभी कर ले, अब ये इजी हो गया बहुत। हाँ ओके, 2001 के पहले बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे, बैड डेट्स राइट ऑफ कितने, 5,000 राइट ऑफ किए, राइट ऑफ 5,000 है, यहाँ लिख लेते हैं बैड डेट्स रिटन ऑफ 5,000, इसमें से बैड डेट्स रिकवर्ड हुए 2,000, रिकवर्ड माइनस करेंगे, इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा। इसके लिए पहले हम रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे, जब लास्ट ईयर का बैलेंस क्या था रिसीवेबल का, 2,65,000, ये 2001 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब 2001 में क्रेडिट सेल्स हो रही है 4 लाख की, ऐड करेंगे, कैश कलेक्शन है 5,50,000, माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न 15,000 माइनस होंगी, कॉन्ट्रा सेटलमेंट 5,000 माइनस, क्रेडिट्स रिटर्न ऑफ 5,000 माइनस, ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 90,000। ठीक है, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 90,000, अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 5%, 90,000 का 5% 5% कितना है, 4,500, इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था,
हमने, हाँ देखिए, रिसीवेबल से माइनस कितने किए थे? 6,000 माइनस किए थे, तो 6,000 माइनस किए तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। देखो नहीं, ये मैं तो 13,250 माइनस किए, तो कैलकुलेशन थी, हाँ ठीक है सॉरी, 13,250 माइनस किए थे, ये अलाउंस का क्लोजिंग था ना, करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा ना। अब यहाँ से माइनस करेंगे 13,250, अब आंसर नेगेटिव में आएगा, -8,750, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस, 8,750 का डिक्रीज आ रहा है, तो ये यहाँ से माइनस होंगे 8,750 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होती है अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, माइनस करें। अब इन तीनों का सम कर लें, ये आ जाएगा -5,750, नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव का मतलब अब ये चार्ज नहीं होंगे बल्कि क्रेडिट होंगे, और जब हम कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये 5,750 ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाए। ये तो आ गया आपके 5,750 क्रेडिट। बैलेंस शीट में देखिए, हम रिसीवेबल का क्लोजिंग वो हमने कैलकुलेट किया था 90,000, इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस जो कि इक्वल होगा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, तो एस्टिमेटेड हमारे कितने 4,500, माइनस करते ही आ जाएंगे 85,500 नेट रिसीवेबल। ठीक है, कॉपी कर लें। तब ये कि कैलकुलेशन से आप हर क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आपको अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2002 पहले बैडेट्स कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएं, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्शन, सेल्स रिटर्न, कॉन्ट्रा निल है, बैडेट्स रिटर्न ऑफ कितने 8,000, यहाँ लिख लेते हैं बैडेट्स रिटर्न ऑफ 8,000, बैड डेट्स रिकवर्ड है 4,000 माइनस करेंगे। अब हमें चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस, के लिए पहले रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रिसीव लास्ट ईयर 2001 का रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस था 90,000 जो कि करंट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। क्या करंट ईयर में सेल्स है हमारी 6 लाख प्लस करेंगे, के बाद कैश कलेक्शन 4 लाख माइनस, के बाद सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस, कॉन्ट्रा सेटलमेंट ले लें, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 8,000 माइनस, और इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड इसमें नहीं आएंगे, ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,72,000, 2,72,000 रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, इसका 5% ये आ जाएंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल टैक्स, 5% कैलकुलेट करते हैं 13,600, 13,600 आ गए एस्टिमेटेड डाउटफुल टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग होगा कितना 4,500 था ना, ठीक है, तो इंक्रीज इन अलाउंस आएगा आपके पास 9,100 आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस, तो यहां पर ये इंक्रीज इन अलाउंस हम ऐड कर लेंगे, डिक्रीज इन अलाउंस कुछ नहीं है। तो कैबिंग का सम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13,100 आ गए हमारे करंट ईयर के बैड डेट्स एक्सपेंस जो कि हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट। ठीक, बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स आ जाएंगे, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था 2,72,000, इसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स जो कि इक्वल होंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस के, 13,600 माइनस करते ये आपके पास आ जाएंगे 2,58,400, 2,58,400 आ जाएंगे नेट रिसीवेबल। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट।